हमारे रेलवे मालगोदाम श्रमिकों को विशेष स्थान दिया गया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा जो भी 3 करोड़ बिल आने वाला है, पारित होने वाला है, उसमें हमारे मालगोदाम के श्रमिकों को तमाम सामाजिक सुरक्षा, तमाम सुविधाएं उसमें प्राप्त होगी। हमने अपने 14 मांग पत्र में दिया था कि हमारे मजदूरों को पेंशन की सुविधा हो, हमारे मजदूरों को रेलवे पास की सुविधा हो, हमारे मजदूरों को आवास की सुविधा हो, हमारे मजदूरों को अगर वो काम करते दुर्घटना गए तो उसको मुआवजा की राशि मिले, ऐसे तमाम सभी सुविधाएं जो है उनको प्राप्त हो, जो अन्य सभी कर्मचारियों को, चाहे रेलवे का हो या तमाम हमारे देश के अलग अलग विभाग में काम करने वाले लोग हों, उनको ये प्राप्त होना चाहिए। दूसरा हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है सरकार के समक्ष, जिसके लेकर के श्रम मंत्री महोदय से लगातार चर्चा चल रही है, रेल मंत्रालय के सभी पदाधिकारी इसके लिए संपर्क किया जा रहा है कि हमारा जो माल गोदाम में काम करता है मजदूर, रेलवे का सबसे बड़ा हिस्सा 1 रुपया में 70 पैसे की जो आमदनी होती है वो माल भाड़े से होता है, अर्थात हमारा जो मजदूर है जो पूरे देश के कोने कोने में लाखों लाख टन अपने कंधे पर लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करता है और देश के कोने कोने में जो पहुंचाने का काम करता है, उसी कारण से रेलवे को 70% की आमदनी होती है। इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा माल गोदाम का श्रमिक, उसको बहुत दुर्भाग्य की बात है आपके बगल में गुवाहाटी बीजी माल गोदाम में तमाम जगह, आप मैं मीडिया बंधुओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मजदूरों के वास्तविक स्थिति को आप उठाने का काम करें। देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसको, मजदूर को कैसे भलाई होगा, उसके हित के लिए कैसे काम किया जाएगा, आप सरकार को बताने का काम करें। आप देश का चौथा स्तंभ हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, हम लोगों का आवाज़ को बुलंद करने में जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। देश में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आज कोरोना काल में भी स्पष्ट होने का काम हुआ कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद था, पूरा विश्व बंद था, लेकिन मालगाड़ी चलने का काम किया, और अपनी जब एक भाई अपने भाई से नहीं मिल पाता था, याद होगा आपको जब पूरे देश में 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर लोग पैदल चल के आने का काम कर रहे थे, उस समय भी उसके परिवार वाले भी उसके पास नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारे सरकार के आदेश को पालन करते हुए हमारे सभी पूरे हिंदुस्तान के 6 लाख वर्गीय कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस दृढ़ता के साथ, जिस साहस के साथ उन्होंने देश हित में काम करने का काम किया है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनको सही मजदूरी मिलने का काम। मैं ये चाहता हूँ अभी मुझे किसी भी अपने खुद